सगळे मसाला शेंगदाणा ये असल जान है एक्चुअली, ये सोना बोल रहे भाई दावेली की, है ये सोना और चांदी दोनों आएगा, सोना चांदी दोनों आएगा। ये जा रहा है बहुत सारा अमूल बटर, इसमें कोई कंजूसी नहीं है। बटर पब्लिक ही उतना खाते, इधर सब लोग खाते पीते घर के, सब मतलब सबको बटर चाहिए। वही वही है लाइफ में बटर चाहिए, भले एक खा लो दो चार के जगह पर बढ़िया खाओ। बटर हम मतलब ऐसे बिल्कुल जोरदार लगाते, हाँ। इधर भी लगाते और लोगों को भी लगाते। अच्छा क्या है, डॉक्टर ने बोल के रखा है। अच्छा रोज एक दावेली खाना, दावेली पानी पूरी कुछ ना कुछ खाने की तरह आज दावेली नहीं खाई तो ज्यादा ऐसे ना, तो दावेली नेगेटिव आ जाता है रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फूड फ्लेवर ट्रैवल्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट विनीत गद्रे। तो जैसे कि जानते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करते हैं, रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करते हैं, और नासिक में ये एक्सप्लोर करते करते हम आज आए हैं मुक्तिधाम रोड में, जो ये सड़क है मुक्तिधाम की तरफ जाती है और खाऊ गली के नाम से भी प्रचलित है, बाला साहेब ठाकरे रोड कहते हैं इसको। तो यही के एक पॉपुलर दाबेली जॉइंट हम एक्सप्लोर करने हैं और टेस्ट करने आए, तो काफ़ी प्रचलित है यूथ में, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ होती है ये टाइम पे। तो टेस्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और ओनर से बात भी करते हैं। तो हमारे साथ है यहाँ की सबसे क्यूटेस्ट लिटिल कस्टमर, तो आपका नाम क्या है? तनुश्री। तनुश्री आपको दावेली कैसी लगी? अच्छी लगी, थैंक यू, एकदम बढ़िया। तो हमारे ओम कच्ची दावेली सेंटर में, और आप देख ही सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं भैया का कितना है, एक के बाद एक के बाद एक चालू है दावेली, और यहाँ भीड़ भी उतनी ही रहती है। तो एक साथ कितने बनाते हैं आप तवे पे? 25-30। अच्छा भाई का स्पीड देख लो, 16-16 का राउंड चालू रहता है एट ए टाइम। तो स्पीड देखिए, रियल टाइम स्पीड है, इसमें कोई एडिट नहीं है, और फुल्ली लोडेड दाबेली है। यहाँ पे दाबेली मसाला है, चटनी है इमली की, पीनट्स है, ये आ गई इमली की चटनी। आ गया मसाला सिंगदाना, सोना है। ये असल जान है एक्चुअली, ये सोना बोल रहे भाई दावेली की, है ये सोना और चांदी दोनों आएगा, सोना चांदी दोनों आएगा। तो देख सकते हैं आप, फुल्ली लोडेड दावेली है, उसमें बहुत सारी चटनी है और पीनट्स भी है बहुत सारे, सोना चांदी जैसे भाई बोल रहे। और स्पीड देख लिए भाई का, एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ जितनी भीड़ लगी होती है बाहर, उतने पार्सल के भी होते हैं, तो काफ़ी स्पीड से बनती रहती है यहाँ पे दाबेली और बिकती रहती है। अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, और ये तो अभी सिर्फ शाम की शुरुआत हुई है, शाम की शुरुआत हुई है, और भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और बहुत कस्टमर आने वाले हैं। तो दाबेली में कितने वर्जन मिलते हैं अपने यहाँ? बटर चीज सादा। अच्छा बटर चीज़ और सादा, और कच्ची कड़क भी मिलता है यहाँ पे। ये स्पीड से तो ये ट्रे एकदम खाली होता जाएगा। आधे घंटे में मेरे हिसाब से खाली हो जाएगा अभी, और नया ट्रे लगाना पड़ेगा भैया को। हाँ अच्छा, यहाँ से लोड होती जाएगी दाबेली और वहाँ पे सिक्के डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में। और अब ये भी देख लो, हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, ग्लोव्स लगाए हुए भैया ने, क्योंकि
कंट्रीब्यूशन को बनाना पड़ता है ना, स्पीड भी चाहिए, कस्टमर को जल्दी भी चाहिए, सबको नहीं होता सर। और आप कितने साल से बना रहे लगभग? ये दुकान 2015 में चालू की थी इधर। अच्छा, मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, 2015 से ये दुकान है और भैया अभी बना रहे हैं? 12 महीना हुआ है। अच्छा अच्छा, भैया साल से बना रहे लगभग, तो भी स्पीड ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से कर रहे हैं। अभी बारिश भी चल रही है और दाबेली भी उतनी ही जोरदार चल रही है। वो जहाँ भैया ने वहाँ लोड करके रखी अभी वहाँ पे सिक रही है अमूल बटर में। ये तो सारी बटर दाबेली? ये सभी बटर। अच्छा, प्योर अमूल बटर दाबेली। दो काउंटर क्या है अभी, घर भी एकदम ज्यादा बढ़ जाती है, दो काउंटर चालू है। हाँ, इधर भी काउंटर चालू है और वो साइड भी एक काउंटर। अच्छा, पीछे भी एक काउंटर चालू है। विंडो इधर सांझे वाले और देख लो, जैसे वहाँ भी ग्लोव्स का ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ भी ग्लोव्स पहने भैया ने। हालांकि थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है तवे पे, फिर भी ध्यान रख के कर रहे हैं। पब्लिक बोलती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। 8 बैक करो, 8 ये जा रहा है बहुत सारा अमूल बटर। इसमें कोई कंजूसी नहीं है, पब्लिक ही उतना खाते इधर, सब लोग खाते पीते घर के, सब मतलब सबको बटर चाहिए। वही है, लाइफ में बटर चाहिए, भले एक खा लो दो चार के जगह पर बढ़िया खाओ। बटर हम मतलब ऐसे बिल्कुल जोरदार लगाते, इधर भी लगाते और लोगों को भी लगाते। अच्छा, फिर आपको बता, इसलिए कस्टमर इतने रिटर्न हुए और आते रहते हैं। कायम कैसे हो? हमारे सबसे पुराने कस्टमर। अच्छा, लगभग कितने साल से खा रहे सर आप? पूरा तो याद नहीं है, लगभग 7-8 साल, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, उधर भी थे। अच्छा, तो काफी पुराने कस्टमर है। और आप क्या प्रेफर करते खाने में? कच्ची कड़क। कच्ची कड़क, अच्छा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, ये कुछ अलग है। और हाँ, कच्ची कड़क जो रहता है ना, वो ये बटर रहता है, बटर उसका टुकड़ा करके सब मटेरियल डाल के बनाते। अच्छा हाँ, ये कुछ अलग है, दाबेली नहीं रहता। ये जो बटर टोस्ट है, इसको टुकड़ा करके इसमें बनाते हैं चाट जैसा, इसमें थोड़ा सा दाबेली मसाला भी डलता है। अच्छा, तो ये क्रिस्पी मसालेदार जूसी ऐसा टैंगी बनता है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो जरूर ट्राई कीजिए, कुछ अलग ही है। काम करना पहले, थोड़ा सा फिर इधर खाली करते जल्दी कर। तो ये बन गया अपना कच्ची कड़क, और इसमें मूंगफली भी है, दाबेली मसाला भी है और जूसी टैंगी ऐसा ये तैयार है। अच्छा, और नूडल्स दिया था उसका ऊपर से, और थोड़ी मूंगफली, ये और मजेदार होने वाला है। और आएगी सेव, और थोड़े सा धनिया। ये बन गया अपना कच्ची कड़क, नाम में ही कड़क है। पार्सल घुमा जो कर, 8 बटर भैया, ये तुमने बेन एक की तो कहीं क्या है? ओके दीदी, घुमा दे दीदी बेन एक।
बाकी क्या आप लोगों को पूछ सकते हो कि कैसे बनी क्या? हाँ हाँ हाँ, वो भी अपने आप ये एक्चुअली भीड़ ही बता रही है कि कितने पॉपुलर है ये एरिया में। बस धीरे धीरे पब्लिक का प्यार बढ़ते गया बढ़ते गया। और एट ए टाइम ये डजन से ज्यादा लग रहे हैं, सीख रहे एट ए टाइम। अभी लॉन्ग लॉक चालू रहता है। ये अभी क्या है, शाम का टाइम हो गया ना, तो कस्टमाइज भी करके मिलती है। बगैर कांदा चाहिए तो कस्टमाइज भी करके मिलती है, बगैर कांदा चाहिए तो भी मिल जाती है, पर फिर भी वो जो प्योर जेल मिलती है वो नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, जितना भी ट्राई करो जो बनाने वाला रहता है ना उसके हाथ कांदे से या लहसुन से ऊपर ऊपर चाहिए किसी को मिली है। अच्छा, बात भगवान को मनाना है, चलो ऊपर ऊपर बढ़ा देंगे। अच्छा, एकदम करारी क्रिस्प बन के तैयार है अभी देख। तो ये कितने साल से शॉप है लगभग? ये अपनी 2015 से चालू किया। 2015 से? 2015 से क्या है, हम दत्तबंदी रोड पे उधर लारी लेके रुके। अच्छा, हाँ। तो लॉरी से ये डायरेक्ट शॉप हो गया, छोटा सा ये एक शॉप किया, फिर धीरे धीरे अभी ये दो शॉप दूसरे ऐड किया, चाइनीज में ऐड किया। अच्छा, पानीपुरी दो एक साल से चालू है। अच्छा, तो पहले सिर्फ दाबेली बेचते थे, अभी पानीपुरी और ये सारा आइटम चालू है। जैसे जैसे पब्लिक की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और पब्लिक का प्यार बढ़ते गया, वैसे वैसे एक एक आइटम ऐड करते गए। अच्छा, सबसे फेमस आइटम क्या है यहाँ पे? ये सबसे फेमस आइटम इधर की मतलब दही पूरी। अच्छा, और दाबेली, दाबेली भी तो सबसे फेमस है और बाद में दही पूरी फेमस है। हाँ, दाबेली तो गोली की स्पीड से बेच ही रहे आप। पब्लिक पसंद कर रहे। हाँ हाँ, पहले क्या दो जन मतलब मैं और ये दो ही जन। अच्छा, दो ही जन थे पहले सगे भाई। हाँ, फिर धीरे 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 सब लोग जुड़ते गए, स्टाफ बढ़ते गए। अभी काफी फेमस है, लगभग वीकेंड में कितने बेचने पड़ते हैं आपको, कितने बनाने पड़ते हैं? बस बना देते, थोड़ी बहुत बना देते हैं। अच्छा, क्या बताएं, ट्रे के ट्रे खत्म हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 30 मिनट में एक ट्रे खत्म हो रहा है। तो भाई बनाते जा रहे हैं गोली के स्पीड से, और वो मुस्कान कायम है, वो वैसे रहनी चाहिए। रात को हमारी खिचड़ी निकल जाती, खाना निकल जाता है, दो रोटी थोड़े चावल खिचड़ी निकल जाती है, बस उतना बना लेते। अच्छा, और ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, मैं डेली कस्टमर हो जाता। अच्छा, तो डेली कस्टमर है सर, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते। ये क्या है, गोली की तरह खाते दाबेली? अच्छा, गोली की तरह खाने के हमारे भाई अच्छे है, भाई ज्यादा स्वीट है, जबान अच्छी है, इसके लिए बहुत इधर उन्होंने माहौल चला है, ये अच्छे सर। अच्छा, इनको क्या है, टेस्ट अच्छी है बहुत ज्यादा। क्या है, डॉक्टर ने बोल के रखा है। अच्छा, रोज एक दाबेली खाना, दाबेली पानी पूरी कुछ ना कुछ खाने, दाबेली खाने के तो राज भाई से ज्यादा हो जाए। भैया आपने घर के ही? अच्छा, तो दाबेली नेगेटिव आ जाता है रिपोर्ट। धन्यवाद सर। तो सर आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर है? जब से स्टार्ट हुआ दुकान तब से हम लोग यहाँ आ रहे। अच्छा, जब से स्टार्ट हुए तब से आ रहे। और आप क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बेस्ट तो दाबेली है, दही पूरी वगैरह। अच्छा, तो दाबेली खाते हैं और बटर वाली ट्राई करते? अच्छा, सारे आइटम्स। अच्छा, तो सर है काफ़ी टाइम से विजिट कर रहे हैं और बटर दाबेली सर खाना पसंद करते हैं और इनकी पूरी फैमिली आती है यहाँ पे, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। नासिक में लाइक दाबेली खाना तो यही खाता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा, क्वालिटी भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है और कंसिस्टेंट है। ओके, थैंक यू सर, एंजॉय कीजिए। तो हमारे साथ ये दोस्त लोग, आपका नाम क्या है? अच्छा सर आपका। अच्छा, तो आप हमेशा रेगुलर कस्टमर हैं यहाँ के? अच्छा, फर्स्ट टाइम आए, तो हम इनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। टेस्ट किया आपने? अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, अच्छी लगी, लोडेड है प्रॉपर? अच्छा, तो फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी दाबेली है। सही है, थैंक यू, एंजॉय कीजिए। तो बाहर बारिश चालू है और हमारी गर्मा गर्म दाबेली भी आ चुकी है, तो टेस्ट करते हैं कैसी है और रिव्यू भी बताते हैं आपको। तो अच्छी तरह से सेव लगा हुआ है इसको, लोडेड दिख रही है काफ़ी, बटर भी काफ़ी सारा है, तो टेस्ट करके बताते हैं। दमदार है, बटर काफी सारा है और पीनट्स भी काफी सारे हैं।
काफ़ी टैंगी है इस सेव के वजह से, बहुत सारा क्रिस्पीनेस है और एकदम पल्पी जो होता है आलू का स्मैश है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टैंग है इसमें, सेव है बाहर से और काफ़ी सारी पीनट्स है, बढ़िया एकदम टेस्ट की दाबेली है। देख लीजिए दोनों साइड से अच्छी तरह से रोस्ट है, मज़ा आ गया। तो बरसात और दाबेली बस एंजॉय करते जाओ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। मैं अभी ये ख़त्म करता हूँ, ओम कच्ची दाबेली। जब भी कभी नासिक विजिट करो या अगर आप नासिक के हो तो मुक्तिधाम रोड पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पहले ट्राई किए तो हमें रिव्यू ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप बाद में ट्राई करने वाले हो कभी ये वीडियो देखने के बाद तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। खाते रहिए, मज़े लेते रहिए ज़िंदगी के। धन्यवाद। ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमारी फूड और फ्लेवर्स की यात्रा जारी रहेगी, मिलेंगे अगले ऐसे ही एक मनोरंजक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।